हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। एसएससी एमटीएस 2020 के लिए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्पोर्ट्स से रिलेटेड पर्सन कर्ब्स एंड उससे रिलेटेड टर्म्स, ये सब हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर की बात करें तो प्रीवियस ईयर में एमटीएस के एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से आया हुआ था, बहुत सारे शिफ्ट में सीजीएल सीएचएसएल सब एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। तो देखिए, जनवरी से लेकर अगस्त तक के बीच में आपको करेंट अफेयर्स कवर करना है, और इस बीच में जो भी इम्पोर्टेंट गेम्स हुआ है उसमें जो भी लोग मेडल जीते हैं, खास करके इंडियन, उसको आपको याद कर लेना है, क्योंकि वही सब क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ठीक है, फिर भी जो मोस्ट एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो इस वीडियो में कवर करेंगे। स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए, पहला क्वेश्चन है द टर्म पुट, ये जो पुट है ये किस खेल में प्रयोग किया जाता है। द टर्म पुट इज यूज्ड इन द स्पोर्ट्स, किस स्पोर्ट्स में ये पुट किया जाता है। गोल्फ में किया जाता है, ठीक है, गोल्फ में किया जाता है ये पुट टर्म का इस्तेमाल। नेक्स्ट है चेरी पिकिंग, चेरी पिकिंग ये जो टर्म है चेरी पिकिंग ये किस खेल में इस्तेमाल किया जाता है। चेरी पिकिंग बास्केटबॉल में किया जाता है चेरी पिकिंग, ठीक है, चेरी पिकिंग। नेक्स्ट है डॉल्फिन किक, डॉल्फिन किक जो है ये किस खेल से संबंधित है। डॉल्फिन किक कुछ ध्यान में आ रहा है, डॉल्फिन किक का स्विमिंग हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए, गोल्फ आपने अच्छे से देखा होगा कि गोल्फ जो खेल होता है उसमें ऐसे ये यहाँ पर होल होता है और इसमें बॉल को अंदर डालना होता है, तो इसमें पुट करना पड़ता है, ठीक है, तो गोल्फ हो जाएगा। चेरी जो है वो गोल गोल कलर का होता है, ठीक है, गोल गोल होता है स्फेरिकल, तो चेरी, बास्केटबॉल भी वैसा ही हो गया, तो चेरी पिकिंग आपका बास्केटबॉल से हो गया। डॉल्फिन जो है कहाँ पे पाया जाता है, समुद्र में, वो का काम क्या है, तैरना डॉल्फिन का, तो स्विमिंग हो गया। डॉल्फिन से तरीका बता रहे, देसी तरीका याद करने के लिए। देखिए नेक्स्ट है द फेमस इंडियन बैडमिंटन प्लेयर, तो बैडमिंटन प्लेयर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है, फेमस इंडियन बैडमिंटन प्लेयर से कौन कौन है वो देख लीजिए। साइना नेहवाल, इनको तो आप जानते ही होंगे, साइना नेहवाल को, ज्वाला गुप्ता, ज्वाला, ठीक है, ये हो गए, पीसी तुलसी हो गया आपका, पीवी सिंधु हो गया, तो साइना नेहवाल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्वाला यहाँ पे गुप्ता होना चाहिए, गुटका लिख दिया है, साइना नेहवाल, ज्वाला गुप्ता, पीसी तुलसी हो गया आपका, पीवी सिंधु इंपॉर्टेंट है, अश्वनी पोनप्पा ये भी बहुत फेमस इंडियन बैडमिंटन प्लेयर है, पुलेला गोपीचंद, श्रीकांत कदम्बी, ठीक है, पुरुपल्ली कश्यप हो गए, बी साई प्रणीत, चेतन आनंद, लक्ष्य सेन एंड चिराग सेट्ठी, ये सब इम्पॉर्टेंट फेमस बैडमिंटन प्लेयर है, इनको ध्यान में आप रख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज करण चंदोक एसोसिएटेड, तो करण चंदोक का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है, तो ये किस खेल से है करण चंदोक, कार रेसिंग से हो जाएगा, ठीक है, करण चंदोक जो है ये कार रेसिंग से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है सीजर कप, सीजर कप किस खेल से संबंधित है, सीजर कप का संबंध किस खेल से है, तो सीजर कप जो है फुटबॉल से होता है, ठीक है, फुटबॉल। पान सिंह तोमर, इनका नाम तो आपने सुना होगा, ये 7 टाइम नेशनल चैंपियन है, ये किस खेल से संबंधित है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्टीपल चेज जो है यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, लंबे बांध का दौर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खेल जो है वो वेलोड्रोम में खेला जाता है, वेलोड्रोम में कौन सा स्पोर्ट्स खेला जाता है ये आपसे पूछा गया है। कौन से खेल, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा खेल जो है वेलोड्रोम में खेला जाता है, तो साइकिलिंग जो है ये हो जाएगा साइकिलिंग। राफेल नडाल के बारे में क्वेश्चन है, राफेल नडाल आपको बताना है कि राफेल नडाल जो कि टॉप मेल टेनिस प्लेयर हैं वो किस कंट्री से हैं। राफेल नडाल का क्या हो जाएगा आंसर, स्पेन का हो जाएगा राइट आंसर, स्पेन की तरफ से ये खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, जब किस खेल से संबंधित है, बॉक्सिंग, जब तुम मिलोगे ना फोड़ देंगे तुमको बॉक्सिंग में, ठीक है, तो जब आपका बॉक्सिंग में हो जाएगा, ठीक है, जब किस में, बॉक्सिंग, जब तुम मिलोगे, ठीक है, तो बस बॉक्सिंग बॉक्सिंग मारेंगे तो क्या हो जाएगा, जब का क्या हो जाएगा, बॉक्सिंग। वेलोड्रोम में क्या है, साइकिलिंग हो जाएगा। राफेल नडाल स्पेन से हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा इस बार 2021 में जो सबसे ज़्यादा फेमस प्लेयर है वो कौन है नीरज चोपड़ा, क्योंकि इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है ओलंपिक में, तो ये किस खेल से संबंधित है? नाम याद होना चाहिए इस खेल का, जैवलिन थ्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिब, ये जो बिब शब्द है ये निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बिब शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो रनिंग हो जाएगा, ठीक है रनिंग हो जाएगा, दौड़ दौड़ के आप अपना बीपी जो है वो हाई कर लिए, बीपी, तो बिब जो हो जाएगा वो रनिंग से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है टम्बल टर्न्स, ये किस खेल से संबंधित है? टम्बल टर्न्स ध्यान में कुछ आ रहा है, टम्बल टर्न्स का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? स्विमिंग हो जाएगा इसका, ठीक है, टम्बल टर्न्स स्विमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इन द टर्म ट्विडल एसोसिएटेड, तो ट्विडल शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस हो जाएगा यहां पर राइट आंसर, ठीक है, टेबल टेनिस। हम्पी कोनेरू, ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? हम्पी कोनेरू चेस के बहुत ही फेमस प्लेयर है। नेक्स्ट है द टर्म एड्रेस, एड्रेस इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, एड्रेस शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है, ठीक है, गोल्फ से संबंधित है एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म जैमिंग, जैमिंग जो है ये एसोसिएटेड है किस स्पोर्ट से? जैमिंग शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस हो जाएगा यहां पर राइट आंसर, जैमिंग जो है लॉन टेनिस। डर्बी ट्रॉफी, ये एसोसिएटेड है किस खेल से? डर्बी ट्रॉफी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? डर्बी ट्रॉफी हॉर्स रेसिंग हो जाएगा, डर्बी। नेक्स्ट है ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी? वो कौन थी? कर्णम मलेश्वरी, ठीक है, जिनका जन्म 1 जून 1975 को हुआ था। ये एक रिटायर्ड इंडियन वेट लिफ्टर है, ठीक है, और ये फर्स्ट इंडियन वोमेन है जिन्होंने मेडल जीता था ओलंपिक में। इनको 1995 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है इनको मिला था, ठीक है, 1999 में पद्म श्री से भी इनको सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिव्येंदु बोरा, ठीक है, ये किस खेल से संबंधित है? दिव्येंदु बरु जो है ये किस खेल से संबंधित है? चेस से संबंधित है। गुरजीत कौर किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। टाइम ट्रायल एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, टाइम ट्रायल जो है साइकिलिंग से हो जाएगा, साइकिलिंग ऑब्वियस सी बात है, साइकिल चलाएंगे आपको टाइम लगेगा ही लगेगा, तो टाइम ट्रायल साइकिलिंग, गुरजीत कौर हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन खो खो, खो खो में कितने प्लेयर्स होते हैं? खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? टोटल नंबर खिलाड़ी होते हैं 12, खो खो, ठीक है, खो खो कितना 12 प्लेयर होते हैं इसमें, के का प्लेस वैल्यू 11, उसमें एक बढ़ा दीजिए क्योंकि एक यहाँ और ऐड हो गया, तो 12 खिलाड़ी हो जाएंगे खो खो में, ठीक है। प्रांति नायक, ये किस खेल से संबंधित हैं? प्रांति नायक जो है जिमनास्टिक से हो जाएगा, ठीक है। द्रोणाचार्य अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो स्पोर्ट्स में दिया जाता है। नेक्स्ट है ब्रिज, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी या कप खेल ब्रिज से संबंधित है? ब्रिज से संबंधित कौन सा है? होल्कर ट्रॉफी ब्रिज से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में बास्केटबॉल को नियंत्रित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट रेगुलेट्स बास्केटबॉल इन द वर्ल्ड? फीबा हो जाएगा, FIBA। नॉकआउट एंड नॉकडाउन आर द टर्म्स रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? नॉकआउट एंड नॉकडाउन किस खेल से संबंधित हैं? बॉक्सिंग से हो जाएगा। इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन वॉज फाउंड इन विच ईयर? अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी महासंघ की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो 2004 में हुआ है इसका स्थापना, 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुल्तान ऑफ जौहर कप इज अ टूर्नामेंट ऑफ विच स्पोर्ट्स? तो सुल्तान ऑफ जौहर कप जो है ये किस खेल से संबंधित है? क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? हॉकी।
नेक्स्ट है नेशनल स्पोर्ट्स डे ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटिंग ऑन 29 अगस्त एवरी ईयर इन द ऑनर ऑफ विच स्पोर्ट्स पर्सन. तो हॉकी के भगवान मेजर ध्यान सिंह चंद हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर. महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, ठीक है, इसका संबंध किस खेल से जुड़ा हुआ है? महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप हॉकी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, हॉकी. नेक्स्ट, मनिका बत्रा एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स. तो मनिका बत्रा का क्या हो जाएगा यहां पर, किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस से है. संतोष ट्रॉफी, ठीक है, ये किस कौन सा खेल होता है संतोष ट्रॉफी? फुटबॉल हो जाएगा. विजय हजारे जो है वाज अ फेमस इंडियन प्लेयर एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स? ये क्रिकेट हो जाएगा. अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं जिससे क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, जैसे कि मीराबाई चानू जो कि इंडियन वेट लिफ्टर हैं, रवि कुमार ये फ्री स्टाइल रेस्लर हैं, पीवी सिंधु प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर हैं, बजरंग पूनिया ये फ्री स्टाइल रेस्लर हैं, अतानु दास ये इंडियन आर्चर हैं तिरंगदाज, दीपिका कुमारी ये भी प्रोफेशनल आर्चर हैं, सानिया मिर्जा लॉन टेनिस, पीटी उषा एथलेटिक्स, साइना नेहवाल बैडमिंटन, मिथाली राज क्रिकेट, सुनील छेत्री फुटबॉल, अभिनव बित्रा शूटिंग, मैरी कॉम बॉक्सिंग, हीमा दास एथलेटिक्स, ठीक है, भवानी देवी फेंसिंग, पंकज अडवाणी बिलियार्ड्स. ओके, कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स ट्रॉफी जिसका पूछा जाने का चांसेस ज़्यादा है, डेविस कप लॉन टेनिस, मरडेका कप फुटबॉल, राइडर कप गोल्फ होता है, सुल्तान अजलन शाह कप फील्ड हॉकी, थॉमस कप बैडमिंटन, उबेर कप बैडमिंटन एंड विंबलडन ट्रॉफी हॉकी, ठीक है. तो ये सब इम्पॉर्टेंट ट्रॉफीज़ हो गए. और आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो भी जनवरी से अगस्त तक के बीच में जितना भी स्पोर्ट्स हुआ है और उसमें जो लोग भी मेडल जीते हैं उसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, वहाँ से भी क्वेश्चन आपका रहेगा, बाकी इस पीडीएफ से भी आपको देखने को मिल सकता है. तो मेरे अकॉर्डिंग जो भी इम्पॉर्टेंट हो सकता था वो मैं इस वीडियो में आपको करवाया हूँ. बाकी अगर एग्ज़ाम में किस टाइप का क्वेश्चन आता है उसके रिगार्डिंग भी वीडियो बनते रहेंगे एग्ज़ाम टाइम. तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में. कैसा लग रहा है आपको ये एफर्ट्स, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक ज़रूर करना है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट.